जबरदस्ती चुटकी दिलवाया, जबरदस्ती दो नंबर पे देख सकते हैं आप, सबूत है यहाँ पर, सबूत है। धांधली कर रहा है क्या? आपने किसको डालने चाहने वाले थे? एक नंबर पर डालने था, दो नंबर पर जबरदस्ती डाल दिया है, जबरदस्ती डाला है। तो आप लोग इसके बारे में मुझे बोलना चाह रहे हैं? बोलिए, गलत हो रहा है, ये गलत है। अभी प्रशासन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसपीएन 9 न्यूज में। मैं हूँ शशि प्रिया। कन्हैया के जो मतदाता पहुंचे थे उन्हें क्या बहलाने फुसलाने की कोशिश की जा रही थी, और जब वो उसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे दूसरी जगह पर वोटिंग करने के लिए, तो ज़बरदस्ती की गई उनके साथ। ये हम नहीं कह रहे, ये वीडियो कह रहा है जो हमने आपको शुरुआती दौर में दिखाया है। दरअसल ये वीडियो उस वक्त का है जब 29 अप्रैल को चुनाव वहां पर हो रहा था, और मतदान के दरमियान जब ये महिला वहां पर पहुंची तो ज़बरदस्ती एक नंबर बूथ जो कन्हैया कुमार का था वहां से उसे हटाकर दो नंबर बूथ पर जो गिरिराज सिंह का था वहां पर ले जाया गया, और ज़बरदस्ती उससे वोटिंग करवाई गई। ये हम नहीं कह रहे, ये महिला कह रही है जिसके साथ ये पूरी घटना हुई है। आप खुद देख लीजिए ये वीडियो। जबरदस्ती चुटकी दिलवाया, जबरदस्ती दो नंबर पे देख सकते हैं आप, सबूत है यहाँ पर, सबूत है। धांधली कर रहा है क्या? आपने किसको डालने चाहने वाले थे? एक नंबर पर डालने था, दो नंबर पर जबरदस्ती डाल दिया है, जबरदस्ती डाला है। तो आप लोग इसके बारे में मुझे बोलना चाह रहे हैं? बोलिए, ये गलत हो रहा है, ये गलत है। अभी प्रशासन, तो देखा आपने ये वीडियो बभन गावा पंचायत के एक पोलिंग बूथ की है, जहाँ पर कि इस महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है। वो जिसे वोट देना चाहती थी उसे वोट नहीं करने दिया गया है। जिस उम्मीदवार को वो अपना मत देना चाहती थी, जिसे वो चुनना चाहती थी, उसे चुनने से रोक दिया गया। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हम आपको बता दें कि गिरिराज और कन्हैया की उम्मीदवारी के चलते बेगूसराय इस बार हॉट सीट में शुमार है। यहाँ के प्रचार के साथ साथ वोटिंग पर भी पूरे देश की नजरें रही हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी के भोला सिंह को 42,08,227 वोट मिले थे। इसके अलावा आरजेडी प्रत्याशी तनवीर हसन को 58,335 वोटों से मात हुई थी। और इस तरीके से अगर हम बात करें इस चुनाव की, तो इस चुनाव पर सबकी नज़रें टिकी हुई थी, काफ़ी अहम सीट ये मानी जा रही थी। लेकिन जो कुछ भी वहाँ पर हुआ, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो मतदाता पहुँच रहे थे उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही थी। अगर वो नहीं मानने को तैयार हो रहे थे तो उसके बाद उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी की गई है। ये तस्वीरें बयां कर रही है ये वीडियो बभन गावा पंचायत के एक पोलिंग बूथ का बताया जा रहा है, जहां पर कि ये महिला खुद जोर जोर से चिल्लाकर कह रही है कि ये एक नंबर बूथ पर जा रही थी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, लेकिन वहां पर ज़बरदस्ती उसे दो नंबर बूथ पर ले जाया गया, और गिरिराज सिंह का ये दो नंबर बूथ है और ज़बरदस्ती उससे वोटिंग करवाई गई। क्या लोकतंत्र के मान का हनन नहीं हो रहा है यहाँ इस तरीके से? चुनाव आयोग को क्या इस पर संज्ञान लेना चाहिए? ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कन्हैया को लेकर कई सितारे भी पहुँचे थे बेगूसराय में, लेकिन वहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी नहीं पहुँचे, इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। आखिर क्या वजह रही कि पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ प्रचार के लिए नहीं गए? हालांकि अमित शाह वहाँ पर गए और उन्होंने कन्हैया को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि ये देश का नमूना है, अलग अलग तरीके से बयानों के तीर भी चले। और अब जो बेगूसराय का सीट है वो काफ़ी पहले भी अहम था, और ज़्यादा अहम इसलिए हो गया है क्योंकि चुनावी मैदान में जो ये तीन महारथी हैं, इन तीनों में कौन जीतेगा इनकी किस्मत का फैसला जनता कर चुकी है, लेकिन अब उसका फल आना बाकी है। ये परिणाम आने के बाद पता चल पाएंगे। 23 मई को जब परिणाम आएंगे तो साफ हो जाएगा कि आखिर कौन जीतेगा, कौन होगा बेगूसराय का बादशाह। तो एसपीएन 9 न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। नमस्कार। जबरदस्ती चुटकी दिलवाया, जबरदस्ती दो नंबर पे देख सकते हैं आप, सबूत है यहाँ पर, सबूत है। धांधली कर रहा है क्या? आपने किसको डालने चाहने वाले थे? एक नंबर पर डालने था, दो नंबर पर जबरदस्ती डाल दिया है, जबरदस्ती डाला है। तो आप लोग इसके बारे में मुझे बोलना चाह रहे हैं? बोलिए, गलत हो रहा है, ये गलत है। अभी प्रशासन,